पहला व्लॉग जिसका मेरा कभी भी इरादा नहीं था। इसकी वजह ये थी कि मैं व्लॉगर हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये दोस्त भाई, इसको मिला है असाइनमेंट, क्योंकि मीडिया साइंस का स्टूडेंट है, इसको एक असाइनमेंट मिला है। व्लॉग शूट करना भाई आपने? बिल्कुल व्लॉग शूट करना। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक व्लॉग शूट कर लूं भाई, मैं भी तो यूट्यूब बनाते हैं। हम सीधे जाएंगे यहां से, सीधे बहुत करीब है, तो इसलिए जो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल जाएंगे, हमें किसी बाइक की गाड़ी की जरूरत नहीं है। सी व्यू हमारे दो तीन गली आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब जो है मंजिल है काफी करीब। ये सामने जहां पर ये गली खत्म हो रही है वहां पर है साहिल समंदर कराची का। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मीडिया साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो है ना बड़ी कोई अच्छी, जो समझ रहे हो ना बात को आप, कैमरा वीडियो शूटिंग ये वो, तो बड़ा शौक रहा है कि मीडिया साइंस भी यार अच्छी फील्ड है। लेकिन आज इस बंदे को मैं असाइनमेंट बनाते हुए देख रहा हूँ। मीडिया साइंस देखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क है। आपको बड़ी तैयारी करनी होती है, आपके पास टाइम बहुत होना चाहिए। अब पता नहीं ये जो शॉट मैं ले रहा हूँ इसमें कितनी गलतियां हो रही हैं उनको हटानी है। आपके पास सबसे ज्यादा मतलब कि आपके पास टाइम होना चाहिए, टाइम बहुत होना चाहिए। हाँ, ये डिफेंस की सुल्तान गलियां हैं जहाँ पर आपको अपने जो आईफोन 11 मेरे हाथ में है उसका भी खतरा है, और एक एंड्रॉइड मोबाइल जेब में भी रखा हुआ है उसका भी खतरा है। खैर, सामने आ गया है हम लोग अब यहाँ पर ये फैसला करने वाले हैं कि हमें सामने पानी में जाना है या नहीं जाना। मैं करूँगा वोटिंग। मुबीन भाई आप बताएं पहले। भाई मैं तो नहीं हूँ, नहाएगा तो नहीं। मुबीन कोशिश कर रहा है कि इसके साथ कुछ शॉर्ट्स ले लें। हाँ, और इसको थोड़ा डर भी लग रहा है। आओ मुबीन भाई, ट्राई कर रहा हूँ जाकर, इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो जाए। चलो भाई, जो प्लान था ना, प्लान भी ये था कि अफार को पानी में फेंकना है। चलो जाओ। तो आप भी बताएं कि गोल्डिंग 15 रुपए कितने? मतलब सबको जो भी आता है यहाँ पर, आप महंगी रखती है कोई बोलता नहीं, हम 10 रुपए की डिफेंस लेते हैं। तो आप 15 रुपए भेजते हो? आप 15 रुपए देते हो? अच्छा, टैक्स यहाँ पर देते हैं आप? किसको देते हो टैक्स? सीबीसी वालों को। तो भाई आप देखें, ये बंदा फेरी फिर रहा है, इससे भी 200 रुपए पर डे टैक्स दिया जा रहा है सिर्फ यहाँ घूमने के लिए। सिर्फ यहाँ घूमने के लिए। ठीक है भाई, फिर आप एक काम करो, 15 की नहीं 17 की बेचो भाई, क्योंकि आप यहाँ मेहनत भी तो कर रहे हो ना, यहाँ गरीब भी लाके दे रहे हो हमको। बिल्कुल, और इतनी इतनी ठंड है आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये अल्लाह पाक आपको। अच्छा, ये वजह बताओ कि गोल्ड लीफ का रेट आपको किसे पता चले कि 15 के यहाँ है, डिफेंस में 10 के? यार वो मैं थोड़ा अफाक ने बताया। ठीक है भाई, शुक्रिया। सर्दी हो या गर्मी हो, ये जो कराची का सी व्यू है ना, ये आबाद रहता है, ये कभी नहीं सोता है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है, मुझे वापस ऑफिस जाना है, ठीक है, और मुझे यूनिवर्सिटी का नहीं ऑफिस का असाइनमेंट करना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो अभी पेंडिंग में, उसे मैं छोड़कर आया हूँ। अभी मैंने सिफारिश की थी कि चलो जी सलमान अभी मेरे साथ जा रहा है असाइनमेंट बनवाने, जा सकता हूँ, तो बस ये टेंशन है। हवाएं ठंडी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, और पता नहीं बाकी जो लोग सी व्यू आते हैं वो ये चीज़ फील करते हैं नहीं करते हैं। बात ये है कि घर से निकलते हुए हमारे माइंड में ये बात होती है कि भाई पानी में जो है ना वो नहीं जाना, पानी गंदा है, पानी ऐसा है, पानी वैसा है, कचरा होता है, व्हाटएवर। तो लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, तो पानी बेशक कितना ही काला हो गंदा हो, दिल करता है यार इसमें जाओ। बेशक ये कराची का पानी है, बेशक ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, इसमें जाओ थोड़ा सा इंजॉय करो, जैसा भी ये है तो। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग जाने वाले हैं, ये मैं बता दूँ, ऐसा फील आता है। देख रहा हूँ जो रंग हुआ हुआ है ना कलर, जी अभी नया नया करवाया था, ये ग्रीन से थोड़ा मिलता जुलता कलर है। और इधर आओ, ये चीज़ चेक करें आप, इसे कहते हैं क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, जो सिर्फ कराची और कराची के अतराफ़ में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं।
और वो किसी जो है ना स्किल्स के मोहताज नहीं है, ये नेचुरल टैलेंट है। और भी काफ़ी मिलेगा आपको अगर आप आगे जाएंगे। हम खुद जो है वो अपनी जो है ना क्या बोलते हैं उसको, अपने सिटी को, अपनी रेजिडेंशियल एरियाज को हम खुद गंदा करते हैं।